स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं किसी भी पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो हम लोग बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करेंगे क्यों, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि इस काम को करने से मुझे क्या फायदा होने वाला है, मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेन ड्राइव का क्या क्या यूज होता है। पेन ड्राइव का यूज अभी मैं चार यूज बताऊंगा जो जनरली आप लोग करते हैं या हम लोग करते हैं। सबसे पहला है कि पेन ड्राइव में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड में आप ऑडियो स्टोर करते हैं, वीडियो स्टोर करते हैं, इमेज, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, ये सब मेमोरी कार्ड में रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर करना। ठीक उसी प्रकार यदि आपके पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो उसके हार्ड डिस्क में आप ऑडियो या वीडियो या इमेज या डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर उसमें आप स्टोर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेन ड्राइव में भी हम ऑडियो या वीडियो या इमेज या डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर रखते हैं, उसी को बोलते हैं डेटा को स्टोर करना। तो पेन ड्राइव का सबसे पहला काम था डेटा स्टोर करना। दूसरा वर्क है उसका डेटा को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपका दो लैपटॉप है, पहले वाले लैपटॉप में आपका कोई डेटा रखा हुआ है, जैसे कोई वीडियो है, और उसको आपको दूसरे वाले लैपटॉप में रखना है, तो आप क्या करेंगे, पेन ड्राइव पहले वाले लैपटॉप में लगाएंगे, उसमें से डेटा को कॉपी करके पेन ड्राइव में रख लेंगे, और फिर उस पेन ड्राइव को दूसरे वाले लैपटॉप में इंसर्ट कराकर उस पेन ड्राइव से, उस पेन ड्राइव में जो डेटा है उस डेटा को दूसरे वाले लैपटॉप में यानी सिस्टम में आप पेस्ट कर देंगे। तो ये जो इस सिस्टम से डेटा को लेकर दूसरे वाले सिस्टम में हम लोग रखे, उसी को बोलते हैं डेटा को ट्रांसफर करना। तीसरा चीज जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है पेन ड्राइव को रैम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पेन ड्राइव को रैम में बदलना ये पेन ड्राइव का तीसरा काम है। और चौथा और आखिरी काम जो मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर को फॉर्मेट करना होता है। कंप्यूटर में जिस तरह से मोबाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, मोबाइल को फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे फॉर्मेट करना होता है, और फॉर्मेट करने के लिए एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होता है, जो मैं आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट के सीरीज में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव भी बनाते हैं। तो ये कुल मिलाकर चार काम है जो पेन ड्राइव का यूज हम लोग जनरली करते हैं। तो आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं पेन ड्राइव को रैम में कैसे बदले। तो सबसे पहला सवाल कि आखिर पेन ड्राइव को रैम में बदलेंगे क्यों। तो देखिए आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ज्यादा अच्छा से पहले आपको मोबाइल पे समझाते हैं। आपके पास कोई फोन है, स्मार्टफोन को आप यूज करते हैं, तो उस फोन में रैम होता है। तो क्या देखते हैं, जितना ज्यादा जीबी का रैम होगा आपका मोबाइल उतना फास्ट काम करता है, उतना ज्यादा एप्लीकेशन वन टाइम में रन करता है। लेकिन यदि रैम कम होता है तो थोड़ा ही काम करते हैं और मोबाइल हैंग करने लगता है। यानी रैम हमारे कंप्यूटर का टेम्पररी मेमोरी होता है, और उसका काम होता है जो भी हमारा डेटा काम में चल रहा है उसको प्रोसेस करना, वो हमारे रैम में खुला होता है। तो कंप्यूटर में उसी तरह से अगर रैम कम है, जैसे सपोज कीजिए कि 4 GB रैम लगा हुआ है कंप्यूटर में, 4 GB रैम लगा हुआ है, और जितने भी एप्लीकेशन है, जितने भी प्रोग्राम है, वो हमारे 4 GB को फुल कर दिया है। अब उसके अलावा कोई भी प्रोग्राम, किसी भी एप्लीकेशन को हम रन करना चाहते हैं या किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं, तो मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, स्लो कर रहा है। तो उस केस में हम चाहे तो एक्सटर्नल रैम का यूज कर सकते हैं, उसके लिए पेन ड्राइव को रैम में बदला जाता है। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि पेन ड्राइव को रैम में अगर बदलेंगे तो क्या मेरे कंप्यूटर में 4 GB रैम है तो अब 8 GB हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है, मैं बता दूं हमारा जो इंटरनल रैम है वो 4 GB है, वो 4 GB ही रहेगा। ये एक्सटर्नल रैम 4 GB तक बदलता है, लेकिन ये ओरिजिनल रैम के तरह काम नहीं करता है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये ओरिजिनल 4 GB के तरह काम नहीं करता है। अब एक और बात
आपके माइंड में आ सकता है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं कि सर यदि मैं अपने पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर दूं और उसके बाद उसे नॉर्मल करना हो तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप रैम में कन्वर्ट करके नॉर्मल भी कर सकते हैं। और ऐसा भी है, जैसा सपोज कीजिए कि 8 GB का आपका पेन ड्राइव है, तो उस 8 GB के पेन ड्राइव में आप 4 GB डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और 4 GB जो आपका फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस में आप पेन ड्राइव को रैम में बदलना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है। और आप फिर से उसे नॉर्मल करके उसमें 4 GB जो फ्री स्पेस बचेगा उसमें फिर से डेटा रख सकते हैं। तो पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करने से हमारा कंप्यूटर का स्पीड पहले की अपेक्षा फास्ट हो जाएगा और एक बार में ज्यादा एप्लीकेशन खुल पाएगा, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बुलसाई एडवेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आपको काफी सारा ऐसा एजुकेशन मिलेगा जो आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पे एक भी पढ़ाई ऐसा नहीं होगा जिसका इस्तेमाल आप रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पूरा का पूरा फुल प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए। तो चलिए एक पेन ड्राइव मेरे पास है, इस पेन ड्राइव को इस सिस्टम में हम इंसर्ट कर दिए हैं। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि पेन ड्राइव जो इंसर्ट किए हैं वो इस सिस्टम में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए इस डिस्क पीसी पर जाना है और इस डिस्क पीसी पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है। तो चलिए हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर दिए, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पेन ड्राइव लिखा हुआ है, ये ड्राइव आ चुका है, यानी इस सिस्टम में पेन ड्राइव जो हम लगाए हैं वो शो हो रहा है और ये रैम में बदला जा सकता है। चलिए फिलहाल चेक करना था, पेन ड्राइव लगा हुआ है, इसे यहाँ से क्लोज करते हैं। अब एक और चीज मुझे चेक करना है कि इस सिस्टम में पहले से जो इंटरनल रैम है वो कितना GB है, इंटरनल रैम इनबिल्ट जो इसमें लगा हुआ है वो कितना GB है उसे चेक कर लेते हैं। तो आइए आपको सिखाते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में इंटरनल रैम कितना है उसे कैसे चेक करेंगे, आज सिखाते हैं। उसके लिए इस डिस्क पीसी पे जाना है, इस पे राइट क्लिक करना है, चलिए राइट क्लिक कर दिए। राइट क्लिक करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आया प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चलिए क्लिक कर दिए। अब यहाँ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इंस्टॉल मेमोरी रैम 4 GB, ये प्रमाणित करता है कि इस सिस्टम में 4 GB रैम इंटरनल लगा हुआ है। अब यहां से सिर्फ इसे चेक करना था। एक चीज और मैं बता दूं कि अभी जो हम पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करेंगे तो वहां जो पेन ड्राइव एक्सटर्नल रैम में कन्वर्ट होगा वो स्पेस यहां पे ऐड नहीं होगा, ये यहां पे हमेशा 4 GB है तो 4 GB ही दिखाई देगा, वो एक्सटर्नल अलग से होगा जो मैं वहां बदलने के बाद आपको दिखाऊंगा। चलिए यहां से इसे क्लोज करते हैं। अब पेन ड्राइव को रैम में चेंज करने के लिए हमें पेन ड्राइव के पास जाना होगा, तो डिस्क पीसी पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर दिए, यहां से बड़ा करते हैं, पेन ड्राइव पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले ये पेन ड्राइव पूरा का पूरा खाली है तो हम इसे फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट करने से क्या होगा कि हमारा जो रैम में बदलेगा पेन ड्राइव वो प्रॉपर तरीका से बहुत अच्छे तरीका से बनेगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि यदि पहले से इसमें आपका डेटा रखा हुआ है और आप इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मेट करें, आपका डेटा है उसको भी आप डेटा के अलावा जो फ्री स्पेस है उसे भी आप रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आइए आपको सिखाते हैं कि पेन ड्राइव को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए इस पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर दिए। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए क्या है, फॉर्मेट, इस फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, इस फॉर्मेट पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद बगल में एक ऑप्शन खुला, इस डायलॉग बॉक्स में एक फाइल सिस्टम हमें सेलेक्ट करना है, NTFS। NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसमें कई तरह का फाइल सिस्टम है, FAT32 भी है, एक FAT है। हमें यहाँ फाइल सिस्टम में NTFS सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है ये भी मैं बता दूं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, 2-3 फायदे मैं अभी बताता हूं। सबसे पहला कि NTFS वाले फाइल में किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो 255 कैरेक्टर तक दे सकते हैं, जबकि FAT32 फाइल सिस्टम में मैक्सिमम 8 कैरेक्टर तक ही दे सकते हैं।
दूसरी चीज, एनटीएफएस वाले फाइल सिस्टम को यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ऑटो रिपेयर का ऑप्शन आता है, डेटा को ऑटो रिपेयर करने का ऑप्शन आता है, जबकि फैट 32 में नहीं आता है। तीसरा चीज, एनटीएफएस का फाइल अगर आप सेलेक्ट करते हैं और फैट 32 का सेलेक्ट करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? एनटीएफएस का सेलेक्ट करने का तीसरा जो फायदा है वो मेरा फायदा यह है कि इस फाइल सिस्टम में एक बार में हम 16 टीवी तक के डेटा को रख सकते हैं एक फाइल में, जबकि फैट 32 में सिर्फ और सिर्फ 4 GB तक का डेटा ही इनेबल होता है। इन सारा फायदा है एनटीएफएस में, इसलिए हम लोग एनटीएफएस फाइल सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे। एक बार और बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। चलिए यहां से ये सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नीचे आना है और यहां पर एक ऑप्शन है क्विक फॉर्मेट। इस क्विक फॉर्मेट पे हम क्लिक करते हैं, मार्क लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है इसमें वो फास्ट, ये पेन ड्राइव मेरा बहुत जल्दी फॉर्मेट हो जाता है। तो चलिए इसमें क्लिक करके मार्क लगा देते हैं और यहां से स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहां पर एक वार्निंग आया, फॉर्मेटिंग विल इरेज ऑल डेटा ऑन डिस्क, टू फॉर्मेट द डिस्क क्लिक ओके, टू क्विट क्लिक कैंसिल। यदि आप इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आपका इसमें जितना भी डेटा है वो खत्म हो जाएगा, और अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कीजिए, और यदि फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं धोखा से यहां पे क्लिक हो चुका है, मिस्टेक से क्लिक हो चुका है, तो आप ओके कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन यहां मिस्टेक नहीं हुआ है, मैं इसे खुद डिलीट करना चाहता हूं, इसलिए ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड वेट करेंगे तो यहां पर ऑप्शन आएगा फॉर्मेट कंप्लीट का। कुछ सेकेंड वेट करने पर यहां ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट कंप्लीट का, देखिए आ चुका है फॉर्मेट कंप्लीट। और फॉर्मेट कंप्लीट का ऑप्शन आते ही इसे हम क्लोज ओके कर देंगे, मतलब ये मेरा पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुका है। चलिए यहां से क्लोज करते हैं। अब फॉर्मेट हो चुका है, अब इस पेन ड्राइव को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है रैम में। रैम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करना है। चलिए राइट क्लिक कर लिए। राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टीज, देखिए यहां प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर दिए। अब यहां पे सबसे पहले देखिए दो चीज मैं दिखाता हूं, यूज स्पेस, ये पेंडल बिल्कुल खाली है, 27.0 MB में है ये स्पेस, पेंड्राइव खुद का लेता है, इसमें कोई डेटा नहीं रखा हुआ है, और फ्री स्पेस है 7.41 GB। चलिए अब इसे हमें बदलना है रैम में, तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, लेकिन मुझे जाना है रेडी बूस्ट वाले ऑप्शन में। रेडी बूस्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहां पर तीन ऑप्शन आएगा। तीन ऑप्शन कौन कौन होगा, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आया डू नॉट यूज दिस डिवाइस। देखिए डू नॉट यूज दिस डिवाइस ऑप्शन का मतलब है कि हम इस पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट। इस ऑप्शन पे क्लिक करने का मतलब है कि हम इस पेन ड्राइव को जितना भी पेन ड्राइव में स्पेस होगा, जितना भी इसमें डेटा रखा जा सकता है, उस सारे स्पेस को हम रैम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि आप 8 GB के पेन ड्राइव को या 16 GB के पेन ड्राइव को पूरे के पूरे स्पेस को रैम में भी कन्वर्ट करेंगे तो यूज होगा मात्र 4 GB, ओनली 4 GB यूज होगा, तो ज्यादा जगह फालतू में बर्बाद करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम लोग 4 GB तक के स्पेस को ही रैम में कन्वर्ट करते हैं। अब तीसरा ऑप्शन मैं बता दूं, यहां है यूज दिस डिवाइस, इसका मतलब है कि आप जितना अपने मन से चाहते हैं कि पेन ड्राइव को रैम में बदले उतना कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 1 GB का पेन ड्राइव है, 6 GB उसमें डेटा है, आप 2 GB जो फ्री स्पेस है उसको ही रैम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से 2 GB का जो MB में होता है फाइल का साइज, वो यहां टाइप कर देंगे 2024, बस यहां से अप्लाई और ओके करेंगे तो ये रैम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन चलिए मैं यहां पे 4 GB को करके आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो एक बटन है इसको बोलते हैं रेडियो बटन, इसका एक खासियत है ये कहीं एक ही जगह होगा, जैसे यहां रखेंगे तो नीचे से हट जाएगा, यहां रखेंगे तो ऊपर से हट जाएगा, जहां क्लिक करेंगे सिर्फ वहां रहेगा, जबकि मार्क वाले में क्या होता है सभी पे मार्क लग जाता है, इसका नाम है रेडियो बटन, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होता है। तो चलिए यूज दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं, इस पेन ड्राइव को रैम में बदलना है, और कितना बदलना है तो 4 GB, तो 4 GB को MB में बदलेंगे तो हो जाएगा 4096 MB,
बिकॉज 1 GB इक्वल टू 1024 MB, 1 GB बराबर 224 MB होता है। तो चलिए 4 GB का स्पेस हम ले चुके हैं और यहां से करेंगे अप्लाई, अप्लाई पे करेंगे क्लिक, अप्लाई पे क्लिक कर दिए, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर दिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पेन ड्राइव है ये फुल, मतलब 4 GB पहले तो पूरा फुल फ्री था, अब इसका स्पेस 4 GB ले चुका है। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, चलिए इसमें डबल क्लिक कर लेते हैं, कर दिए। यहाँ पे एक ऑप्शन रेडी बूस्ट दिखा रहा है, मतलब ये प्रमाणित करता है कि हमारा जो पेन ड्राइव है वो रैम में कन्वर्ट हो चुका है। ये रैम में कन्वर्ट हो चुका है, ये एक्स्ट्रा में अब हमारे सिस्टम को काम करेगा, ज्यादा फाइल खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब आपके माइंड में जो सवाल आ सकता है उसको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि सर वहां पे थोड़ा चेक कर दीजिए इंटरनल वाले में कि उसमें जो रैम था वो उतना ही है या बढ़ा है। आइए चेक करते हैं। इंटरनल रैम को चेक करने के लिए इस दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर दिए और प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में चले गए तो देखिए इंटरनल जो रैम है वो कितना है, अभी भी 4 GB। ये प्रमाणित हो गया कि हम पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर इंटरनल रैम को चेक किए तो उतना ही है जितना पहले था, यहां पे कोई बढ़ोतरी नहीं होता है। हाँ, जो पेन ड्राइव रैम में कन्वर्ट हुआ है उसे देखने के लिए हम दिस पीसी पे डबल क्लिक करते हैं, कर दिए, फिर यहां से पेन ड्राइव वाले फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और यहां से चेक करते हैं कि हाँ हमारा पेन ड्राइव रैम में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसमें जो खाली स्पेस है, देखिए दिस पीसी को ओपन करते हैं, इस पेन ड्राइव में जो खाली स्पेस होगा वो खाली स्पेस में आप डेटा चाहे तो रख सकते हैं और इतना 4 GB आपका पेन ड्राइव में चेंज होगा, वो पेन ड्राइव का काम करेगा और बाकी जो फ्री स्पेस है वो डेटा का काम करेगा। यदि आप चाहते हैं कि फिर से पुनः इसे नॉर्मल कर दे तो नॉर्मल करके पूरा का पूरा 8 GB भी डेटा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट में आपको ये सिखा दूं कि पेन ड्राइव जो आप रैम में बदले हैं उसे नॉर्मल कैसे करेंगे। तो इस पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कर दिए राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहां पर एक डायलॉग बॉक्स खुला, इस डायलॉग बॉक्स में मुझे जाना है रेडी बूस्ट ऑप्शन पे। चलिए रेडी बूस्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं और यहां पे सबसे ऊपर में देखिए क्या दिख रहा है, डू नॉट यूज दिस डिवाइस, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर दिए, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर दिए। देखिए यहां से आपका जो पेन ड्राइव है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, अब आपका ये पेन ड्राइव रैम में कन्वर्ट नहीं है, अब आप इसमें चाहे तो पूरा का पूरा 8 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए पेन ड्राइव को रैम में बदलना और रैम में जब बदला हुआ है तो उसे नॉर्मल करना तो मैंने सिखा दिया। अब पेन ड्राइव को सीधे कुछ लोग निकाल लेते हैं सिस्टम से, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेन ड्राइव को निकालने से पहले इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर तरीका से निकालने के लिए यहां इजेक्ट करेंगे। इजेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, इस इजेक्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो पेन ड्राइव को यह सिस्टम छोड़ देता है, उसके बाद आप निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम यहां पे इजेक्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे सिस्टम से पेन ड्राइव निकल चुका है, अब आराम से हम अपने पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं। तो यहां तक का जो टॉपिक था ये आज के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करना, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आज के बाद आप भी चाहे तो अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर के रैम को बढ़ा सकते हैं और अपने कंप्यूटर में एक बार में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। और आज के क्लास के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।